हाय एवरीवन, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए आज हम हरे मूंग का कचौड़ी बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम हरा मूंग को पानी में रात भर छोड़ दिए, उसके बाद सुबह पानी से निकाल कर पूरा एक दिन रखे। सुबह देखिए अच्छी तरह से अंकुर निकल गया है। अब इसमें हम प्याज लहसुन लाल मिर्च और कढ़ी पत्ता ले लिए हैं इसमें डालने के लिए। कढ़ाई में तेल डालेंगे, तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें जीरा लहसुन लाल मिर्च और कढ़ी पत्ता डालेंगे। कढ़ी पत्ता को हम काट काट कर डाले हैं, आप खड़ा भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। कढ़ी पत्ता को हम इसलिए काटते हैं कि कढ़ी पत्ता काटने के बाद उसका हाथ जब सूंघिएगा तो इतना अच्छा गंध आता है, इसलिए अब इसे थोड़ा देर भून लेंगे। अब ये हमारा भुना चुका है, अब इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे, जलना नहीं चाहिए, बस ऐसा भूनना है। अब इसमें हल्दी डाल दिए, मिक्स मसाला डाल देंगे। मिक्स मसाला में सारे मसाले मिले हुए होते हैं, अपना हिसाब से जितना आपका मूंग है, जितना मूंग लीजिएगा उसी हिसाब से अपना अंदाज से मसाला डालना है। अब इसमें हम मूंग को डाल देते हैं जितना हमको बनाना है। वैसे तो हम एक किलो मूंग फुलाए थे, लेकिन अपना ज़रूरत के अनुसार जितना बनाना है उतना डालना है। अच्छी तरह से इसे भूनेंगे मूंग को भी हम। इसे तब तक भूनेंगे हम जब तक इसका मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए, कच्चापन इसका ख़त्म हो जाना चाहिए। अब कढ़ाई में धीरे धीरे जब पूरा इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो इसका तड़कने का आवाज़ सुनाएगा मूंग का। अब ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये ऐसे भी खा सकते हैं नाश्ते के रूप में, सुबह सुबह इसे खाइए। बहुत ही हेल्दी होता है ये मूंग, प्रोटीन से भरपूर है। इसका कचौड़ी इतना टेस्टी लगता है कि जब आप लोग बनाइए, जब खाएंगे तब पता चलेगा। अब मूंग को हम जब ठंडा हो जाएगा तो मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। वीडियो देखने के लिए कैसे कचौड़ी मूंग का बनाते हैं पूरा वीडियो देखना होगा, तब पता चलेगा। वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा, देख लीजिए इस तरह से दरदरा होना चाहिए। ये हमारा अब तैयार हो चुका है मूंग का मसाला। चलिए इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं। इस तरह से हम निकाल लिए हैं। अब चलिए अब हम इसका कचौड़ी बनाते हैं। मैदा मेरा गुथा हुआ था पहले से, अब मैदा को तोड़ तोड़ के उसका लोई बनाएंगे इस तरह से। अब इसमें हम मूंग का मसाला डालेंगे, अच्छी तरह से दबा दबा कर इसका लोई बना लेंगे। एक बार प्लीज़ मेरे तरीक़ा से ज़रूर आप लोग बनाइएगा, बनाकर देखिए। इतना टेस्टी लगता है कि इसके सामने बाज़ार के सारे चीज़ कचौड़े समोसे सब कुछ खाना भूल जाएंगे। ये बहुत टेस्टी लगता है, साथ में हेल्दी भी है। इसे बनाना बहुत आसान है, बस एक बार आप देखते जाइए कि हम कैसे बना रहे हैं। इसी तरह से दबा दबा कर अच्छी तरह से इसे हम लोई बना लेंगे। इसी तरह से जितना भी मैदा मेरे पास आप लोग देखें सबका हम इसी तरह से गोल गोल बना लेते हैं। आपकी मर्ज़ी, वैसे भी भर सकते हैं पाउडर जैसा भी, और इस तरह से गोली बनाकर भी छोटा छोटा बॉल बना लेंगे। जैसे आप मतलब बनाने में जैसे आसानी हो, उस तरह से हम दोनों तरह से दिखा दिए कि जिस तरह से भी आपको बनाने में आसानी हो उस तरह से आप लोग भी बनाएं। मेरे तरह से देख लीजिए, इसी तरह से सारा हम बना कर रख लिए हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। पहले एक दो बेल लेते हैं ताकि जब तेल हमारा गर्म हो जाता हो डाल सकें। अब गैस की तरफ चलते हैं कि तेल कढ़ाई में तेल हमारा गर्म है। पहले एक डाल के देख लेते हैं कि तेल हमारा गर्म है कि भी कि नहीं। तेल हमारा पूरा अच्छी तरह से गर्म है। अब इसमें दो तीन कचौड़ी हम डाल दिए हैं और फ्लेम एकदम कम रखेंगे, तेज़ नहीं रखना है गैस को, वरना क्या होगा कि कचौड़ी जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। देख लीजिए जैसे जैसे ये सिकते जा रहा है, देखिए फूलते जा रहा है। अब इसे हम धीरे से पलट लेंगे। एक कचौड़ी देखिए हमारा फट चुका है, उसे हम निकाल दे रहे हैं, वह पूरा तेल में फैल जाएगा। उलटते पलटते हुए एकदम गोल्डन ब्राउन देखिए हमारा हो चुका है, एकदम क्रिस्पी कचौड़ी हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं।
देख लीजिए इसी तरह से उलटते पलटते हुए, गैस को बिल्कुल भी तेज नहीं करना है। कचौड़ी हमारा बन चुका है, इसे हम निकाल रहे हैं। यह बहुत टेस्टी लगता है खाने में, देखने में तो लग ही रहा है, ये आँखों को तो भाता ही है, जीभ को भी बहुत टेस्टी लगता है। प्लीज़ एक बार मेरे तरीका से आप लोग ही बनाइए हरे मूंग का कचौड़ी, छिलके वाले हरे मूंग। देखिए सारे कचौड़ी को हमने इस तरह से तल लिया है। चलिए अब हम सर्व करते हैं। देख लीजिए कितना अच्छा देखकर लग रहा है। कोई कहेगा कि हरा मूंग का छिलके वाला कचौड़ी का है। अब इसे हम हरी चटनी और लाल चटनी के साथ सर्व करते हैं। देखिए कचौड़ी को हम तोड़ के भी दिखा रहे हैं एकदम पास से। देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है देखकर। प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, इस तरह से सॉस के साथ सर्व करिए।